अस्सलाम वालेकुम शाज़िर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप सुनाएं। माशाल्लाह पूरा पुर रौनक एहतमाम हुआ हुआ है। इतने सारे मसाले हैं, चावल है और चिकन भी। क्या पुलाव बना रही हैं या बिरयानी बना रही हैं? आप गेस करें कि ये हो कैसे। इसमें पार्सले हैं, इसमें पेपरिका या रेड पेपर नहीं है। सही है, ठीक है। इसमें फूड कलर भी जाएगा और ये है पुलाव टाइप चीज़, लेकिन आपने गेस करनी है। आप मैं देती हूँ तो बिल्कुल नहीं। हाँ। ये मुझे टर्किश लग रहा है शायद। ये यमनी पुलाव है। क्या बात है। तो आज जरा दी यमन हाँ। का जायका भी हमारे साथ होगा और बड़ा डिफरेंट होता है जी। हाँ। और यकीनन आप जानना चाहेंगे कि इनकी रेसिपी में और हमारे रेसिपी में क्या फर्क है। तो बताएं कुछ। एक आपने जैसे कहा कि पेपरिका है, इसके अलावा ये कौन सा आपने कहा? ये पार्सले है। फ्रेश पार्सले भी यूज कर सकते हैं? फ्रेश पार्सले भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश पार्सले नहीं है तो आप फिर ये ड्राई, ठीक है, ड्राइड यूज करेंगे। और इसमें मैं देख सकती हूँ कि रेजन्स और आमंड्स भी मौजूद हैं, यानी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी। ड्राई करके ऊपर से हम पुलाव जब तैयार हो जाएगा ऊपर से हम डेकोरेशन। बिल्कुल सही है। तो जरा मुझे पता है क्योंकि जब तक मैं वहाँ जाती हूँ और अपने दूसरे मेहमानों से बात करती हूँ, शाज़िर जी बना बनू के झटपट फारिग हो जाती हूँ। इसलिए आप मुझे रीकैप करके बताइए कि आज की रेसिपी में होना क्या वाला है। सबसे पहले मैं देख सकती हूँ कि चावल भिगो दिए हैं आपने। आधा किलो चावल हमने भिगो दिए। बिल्कुल। और ये हाफ के जी चिकन है। वैसे अगर बोन्स वाली ले ले तो वो ज़्यादा बेटर है। सही है। ये टू अनियन है स्लाइस, ठीक है। ये गरम मसाला है हमारे पास, इसमें तेज पत्ते हैं, ठीक है। इसमें दो तेज, अच्छा मसाले तो हमने देख लिए, वक्त हाँ, कम मुकाबला सर, बताइए पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, सबसे पहले हम अनियन को फ्राई करेंगे, ठीक है। सही है, ऑयल में। सही, ये जो फ्राई हो जाए तो ब्राउन करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। लाइट हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। फिर हम इसमें धनिया, पेपरिका, रेड पेपर, जीरा, सारे जो है, और ये लहसुन, ये ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें ऐड करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम चिकन को कुक करेंगे, क्योंकि अगर बोन वाली चिकन है तो टाइम लेगी। आप ढक कर उसको थोड़ा सा कुक कर लें ताकि सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद उस नेक्स्ट स्टेप में हम टोमेटोज़ डालेंगे और हम फिर राइस डालेंगे और थोड़ा सा ये ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, ठीक है, और ज़ीरा भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे हसबे ज़ायका, और ऊपर से फिर दम करने के बाद हम इस पर इससे गार्निश करेंगे। क्या बात है। अच्छा जी, ये आप कलर भी डालेंगे, फूड कलर। ओके, फूड कलर भी होगा वो। अब आपने बता दिया हमें रेसिपी में आमतौर पर जो लोग भूल जाते हैं कि भाई पुलाव, क्योंकि आप उसी पानी में, उसी शोरबे में पकता है, तो उसके लिए अलग से पानी नहीं डाला जाता, यानी पानी को उबाल, जैसे हम बिरयानी में करते हैं ना कि हमने चावल उबाल लिए, वैसे नहीं करते। तो रेशो क्या होता है? अगर आपने ये समझे दो कप चावल लिए हैं तो 4 कप पानी होगा या 3 कप पानी होगा, जिसके थ्रू हम ये बिल्कुल सही टेक्सचर पा सकें। 2.5 कप डालने हैं। अब ये भी होता है ना, लोगों के कप्स के साइजेस भी तो आप देखें ना, जितना चावल का कप है उतना आपने 1 to 1.5 का रेशो कर लेना है। जी शाज़िया जी, क्या बन गए खाने हमारे तैयार हैं? बस ये थोड़ा सा पुलाव दम पे हो रहा है, यहीं दिखा देते हैं। जी जी, वो हम आखिर में दिखाएंगे। अच्छा। आपने मीठा भी बना लिया है। हाँ, ड्रिंक में क्या बनाने वाली हैं? ड्रिंक में मैं जामे शीरी बना रही हूँ, जो कि आपको पता है कि गुलाब और संदल के अर्क से 100% अर्कियात से बना है और बड़ा रिफ्रेशिंग है, और बहुत आपके रमज़ान में आप रोज़ा खोलें इससे तो बड़ा आपका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, तो आप दूध के साथ इसको बना रही हैं? हम ऑल पर्पस मिल्क यूज़ किया है, अब हम ऑल पर्पस क्रीम भी इसमें यूज़ करेंगे। ज़बरदस्त हो गया, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आप सामने देख सकते हैं, ये वाहिद वो चीज़ है, नमक की तरह हसबे ज़ायका होती है। किसी को ज़्यादा शरबत पसंद है, किसी को हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कीजिए। इसमें क्रीम भी ऐड कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। एंड देन यू कैन मिक्स इट। दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी फुलफिलिंग एज़ वेल।